नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जॉब स्ट्रीम में। तो फ्रेंड्स, आज चलते हैं बिहार की तरफ और आपको बताते हैं कि बिहार में जो है विधानसभा परिषद ने एक नहीं पांच पांच पदों पे जो है नियुक्तियां की घोषणा की है, जिसकी डेट जो है वो घोषित हो चुकी है। ये सचिवालय में नियुक्तियाँ हैं फ्रेंड्स, और जितने भी स्टूडेंट हैं इसके लिए एलिजिबल, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप थोड़ा भी ना करें, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए कुछ भी अगर छूट जाता है तो दिक्कतें होती है। तो इसलिए आप जो है सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे जो पूरा वीडियो देखें। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस जो है रेड कलर के आइकन को दबा के जो है आप सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही सब्सक्राइब करते वक्त जो है एक बेल आइकन की घंटी नज़र आएगी उसे दबा दें, क्योंकि हर एक अपडेट जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होती है मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आप लोग तक तो प्रोवाइड कराता हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग को बता दूँ कि जो भी कैंडिडेट्स 10वीं पास है कोस्ट गार्ड यांत्रिक के लिए यहाँ पे वैकेंसियाँ निकली है, प्लीज़ जाके चेक करिए। और फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन जो है करंट अफेयर की क्लास आपने इस यूट्यूब चैनल पे 5 बजे सुबह में होती है, मॉर्निंग टाइम, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। अगर आप SSC MTS की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे परफेक्ट चीज़ मिलने वाली है, जो कि पर डे की हर एक शिफ्ट की आपको जो है जो भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है वहाँ पे क्वेश्चन, वो मैं जो हो यहाँ पे आपको वीडियो के जरिए प्रोवाइड कराता हूँ फ्रेंड्स। तो जाके प्लीज़ इस सारे वीडियो को चेक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आ जाएंगे सबसे पहले जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पे है, मैं डाल दूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और फिर जैसे ही इसकी ऑफिशियल साइट पर आप आइएगा, उसके बाद आपको जो साइड में इस तरफ से आना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है नंबर दिया हुआ है, जो कि सारे वैकेंसी की जो है वो नंबर है। तो फ्रेंड्स, ये जो है 1/2019 इसकी तो अप्लाई हो चुकी है, अब इसकी जो है कुछ दिनों में एग्ज़ाम भी होगी, और बची है 5 रेस्ट जो पोस्ट बची है, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019 और 6/2019, ये सारे जो है वैकेंसी की डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे। तो सिंपली से पहले इस पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको जो एक नोटिफिकेशन डाउनलोड होगी आपको वो देखनी है। तो यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड होके आ चुकी है, आपको जो है सिंपली देखना है कि ये जो है वैकेंसी सहायक के पदों के लिए है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है सहायक के पदों के लिए, देख सकते हैं आप, ये जो है आवश्यक सूचना यहाँ पे दे रखा है, और विज्ञापन संख्या जो है 2/2019 की, ये निकल के जो है वो नंबर है ये विज्ञापन संख्या की, और इसमें दिया गया है कि बिहार विधान परिषद सचिवालय में के अंतर्गत प्रशासनिक सवर्ग में सहायक के रिक्त पदों पर जो है भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा है। तो विज्ञापन संख्या 2/2019 का प्रकाशन बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा जो है किया गया, जिसमें परिषद के वेबसाइट पे जो है ये आपको वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, पर देखा जा सकता है। और आपको बता दूँ, ऑनलाइन से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट डेट जितनी भी है यहाँ पे दे रखी है, जो कि आपकी ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है वह 19/8 यानी कि 19 अगस्त से जो है आपकी स्टार्ट होगी, और इसकी परीक्षा भुगतान करने की भी जो है परीक्षा फीस जो है भुगतान करने की तिथि भी जो है आपको वह 19 अगस्त से ही शुरू होगी, और ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट जो है आपको 8 सितंबर यानी कि 8/9/2019 तक होगी, और इसकी आवेदन शुल्क भी आपको 8/9 को ही होगी लास्ट डेट। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि नोट में दिया गया है कि उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरण एवं ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्देश बिहार विधान परिषद के वेबसाइट पे जो है पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर जो है प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत देश निर्देश जो है का भली भांति अध्ययन करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा गया है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो है यानी कि 19 अगस्त से इसकी अप्लाई जो होगी उससे पहले आपको जो है इसकी जो भी नोटिफिकेशन निकल के आए या शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और सारे कुछ समझ लेना है। नेक्स्ट जो है दिया हुआ है, उपयुक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जो है आप
यानी कि किसी भी तरह की अगर आपको दिक्कत होती है तो उसकी जानकारी के लिए आप जो है 19 अगस्त से जो है टोल फ्री नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है, इस पे आप जो है कॉल कर सकते हैं। और ये मात्र सिर्फ जो है सिर्फ 1 सप्ताह यानी 7 दिन के लिए ही ओपन रहेगी, जो कि 8 बजे सुबह से 8 बजे शाम तक होगी, तब की अवधि में संपूर्ण किया जा सकता है। 5वें नंबर कॉलम में यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखा है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इससे रिलेटेड तो आप जो है इस पर मैसेज करके अपना सॉल्व आउट कर सकते हैं, आपका सारे पता कर सकते हैं उस पर। उसके बाद अभ्यर्थी 6 नंबर कॉलम में दे रखा है, अभ्यर्थी आवेदन भरने शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, तब जो है साइट स्लो होने लगता है या कुछ भी और प्रॉब्लम हो जाती है, उसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट अपना फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये हो गई सहायक के पदों के लिए, अब चलते हैं दूसरे पदों की ओर। अब फ्रेंड्स डाउनलोड करना है 3/2019 की, यानी 3/2019 वाले पे उस पर क्लिक करनी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये भी जो निकल के आ गई, जो कि निम्न वर्गीय लिपि के लिए है, लिपिक के लिए है, तो ये भी जो है निम्न वर्गीय लिपिक वाले जो भी पद होंगे उनके लिए है। फ्रेंड्स ये भी सेम ही सारा कुछ है, इसमें क्राइटेरिया जितना है सारा सेम है दिया हुआ। इसकी भी जो अप्लाई 19/8 यानी 19 अगस्त से होगी, लास्ट डेट इसकी जो है वह 8/9 यानी 8 सितंबर है। फ्रेंड्स इसकी जो फी पेमेंट करने की भी जो है वह स्टार्टिंग डेट जो है वह 19 अगस्त है, और इसकी लास्ट डेट जो है फी पेमेंट करने की वह 8 सितंबर है, जो कि 6 बजे शाम तक है। फ्रेंड्स तो ये सारी चीज़ें सेम है, आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो इस नंबर पे आप टोल फ्री है, आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं 19 अगस्त के बाद। तो ये जानकारी इतनी थी, फिर चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। फ्रेंड्स आप डाउनलोड करते हैं 3/2019 वाली, और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे फिर से डाउनलोड कर ली है, जो कि विज्ञापन संख्या 5/2019 की है। ये जो है चालक के पदों पे है, और फ्रेंड्स बता दूँ इस चालक के पदों पे जो है फिर से वैकेंसी निकाली गई है, जो कि सारा क्राइटेरिया सेम है। आपको 19 तारीख से जो है इसकी अप्लाई स्टार्ट होगी, जो कि लास्ट डेट आपकी जो है 8 सितंबर होगी, और इसकी परीक्षा शुल्क जो है ये भी आपको स्टार्ट होगी वही 19 अगस्त से, और इसकी लास्ट डेट जो है परीक्षा भुगतान करने की, फीस भुगतान करने की, वह 8 सितंबर है। फ्रेंड्स सारा कुछ सेम है, अगर भरने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इस नंबर पे आप कॉल करें, और यहाँ पे ईमेल आईडी भी दे रखी है, ये वेबसाइट नेम है, आप सारा चीज़ देख सकते हैं। चलते हैं अब अगली पोस्ट के तरफ। और फ्रेंड्स मैं फिर से एक नई जो विज्ञापन संख्या है 6/2019 वाली वो खोल रखा हूँ, और ये फ्रेंड्स है सुरक्षा प्रहरी के लिए, जो कि इसकी विज्ञापन संख्या है 6/2019। देख सकते हैं इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और ऑनलाइन भरने की आवेदन करने की जो तिथि है सारा कुछ यहाँ पे देख रखा है, जो कि सेम ही है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो है तिथि ये 19 अगस्त है, और परीक्षा शुल्क जो है वह भुगतान करने की वह 19 अगस्त है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 8 सितंबर है, और परीक्षा शुल्क जो है वह जमा करने की अंतिम तिथि भी आपको यहाँ पे 8 सितंबर दिया हुआ है। विस्तृत जानकारी के लिए आप जो है इसकी ऑफिशियल साइट पे आ सकते हैं, जो कि मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरह के अगर जो है भरने से प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म को, तो आप ये टोल फ्री नंबर पे प्लीज़ कॉल करिएगा, जो कि 19 अगस्त के बाद 7 दिन तक ये ओपन रहेगी, जो कि आपको करना है 8 बजे सुबह से 8 बजे शाम तक। और ये इसकी ऑफिशियल जो है वह ईमेल है, आप इस पर जो है ईमेल भी कर सकते हैं आपको अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए। और फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आवेदन जो है अभ्यर्थी को आवेदन भरने या शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है जब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जो है वंचित रह जाते हैं वैकेंसी से, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताया गया है। और फ्रेंड्स आपको अगर कोई जानकारी अगर चाहिए विशेष रूप से तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सिंपली बताऊँगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें इसकी जो है शैक्षणिक योग्यता बारे में सारी की जानकारी आपको दी जाएगी। तो फ्रेंड्स मैंने जो है इसकी ऑफिशियल साइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इन सारे का भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट निकली है
वो साड़ी का दे रखा है। और फ्रेंड्स बता दूँ ये जो 1/2019 की जो बैच की है नंबर की जो वैकेंसी है उसकी अप्लाई हो चुकी है कब की, और इसकी अब एग्ज़ाम डेट होने वाली है, और बाकी जितने भी 5 रेस्ट पोस्ट बचे हैं इन पे जो है ये वैकेंसी निकलेगी, जिसमें सहायक, उसके बाद उर्दू लिपि और ड्राइवर, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको दरवानी, ये सारे पोस्ट जो है निकल के आते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और प्लीज़ फ्रेंड आप इसे जो है शेयर ज़रूर कीजिए।